अजीज दोस्तों, एक लफ्ज़ है हिकमत, इसका सादा माना तो दानाई है, लेकिन उलमा ये फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद वो पुख्ता और सही इल्म है जिसकी बुनियाद पर इंसान के इरादे नेकी की तरफ पुख्ता हो जाते हैं, उसको हिकमत कहते हैं, दानाई कहते हैं। जिस इल्म की मौजूदगी में इंसान इतना पुख्ता और ताकतवर इरादा करे कि शरीयत की तरफ चल निकले। हिकमत बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि वो कुरान मजीद जो कुल दुनिया को कलील फरमाता है, वो कुरान मजीद कहता है कि युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है, और फरमाया वमन युतल हिकमत फ़कद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे उसने हिकमत अता की उसे खैर कसीर अता फरमा दी। जो दाना लोग हैं, जो हिकमत वाले लोग हैं, जिनका इल्म पुख्ता है, जिन्होंने किताब व सुन्नत को पूरा पढ़ के फिर नज़रियात को इतना पक्का कर लिया है कि उन्हें अल्लाह ने इंशराह सदर अता फरमाया है, और उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो लहजा है, उनका जो अंदाज़ है, वो इस तरह का नहीं है कि वो कोई बात उन्होंने सुनी है तो वो कानों के कच्चे हैं तो उसी जज्बाती बात को ले कर वो आगे निकल खड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने ना अच्छी तरह दूध रिड़का है और उसमें से उन्होंने ना मक्खन को इस तरह टटोला है कि उन्होंने ना वो लस्सी शस्सी सारी पीछे छोड़ दी है, खालस चीज़ निकाल के लोगों के सामने पेश की है। हिकमत और दानाई, पुख्ता लोग, सियाने लोग, वो तकरीर नहीं करते, वाज़ो नसीहत नहीं करते, वो तो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, वो अपने तजर्बात के साथ लोगों को दीन की तरफ मायल करते हैं, और उनकी गुफ्तगू लफ्ज़ों की लफ्ज़ों के साथ नहीं होती बल्कि रूह की बात रूह के साथ होती है। और इकबाल कहने लगे, ये बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दानाई, हिकमत, अल्लाह तबारक व तआला ने ना हमें वो रसूल अता फरमाए हैं जो दुनिया में हमें सिर्फ किताब नहीं सिखाएंगे बल्कि युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे। जो पत्थरों और पहाड़ों में रहने वाले थे, इतने सख्त हो गए थे कि बेटी को ज़िंदा दफन करते भी उनकी तबीयतें नरम नहीं हुआ करती थीं। जो लोग खड़े खड़े ऊँटों का खून निकाल के पी जाया करते थे, इन्हें किसी पर रहम और तर्स नहीं आता था। महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हिकमत से उन्हें कुरान सिखाया, फिर कोई कुत्ता प्यासा ना रह जाए, ये दर्द भी अल्लाह ने उनके सीने में पैदा फरमा दी। दानाई हुजूर ने अपनी उम्मत को दी, हिकमत दी, हिल्म दिया, बुर्दबारी दी, अता की। आज हमारा ये मसला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाज़ चीज़ों का फहम भी रख लेते हैं, इल्म भी हासिल कर लेते हैं, वो किसी जगह से कुछ मालूमात भी हासिल कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान जाते हैं, लेकिन दानाई नहीं समझते। इल्म बगैर हिकमत के नफ़ा नहीं देता, मालूमात बगैर दानाई के किसी का भला नहीं कर सकती। आपके पास अल्फाज का ज़खीरा तो है, लेकिन वो अल्फाज इतना असर नहीं रखते कि किसी के दिल तक जा सकें। वो दिल तक जाने के लिए ना बताने वाले का साहिब दिल होना बड़ा ज़रूरी होता है। हिकमत, दानाई रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अता की, और फिर ये दानाई हुजूर ने अपने हर सहाबी को अता करके इस तरह का बना दिया कि फरमाया सहाबी का नजूम, मैंने इन सब को आसमान हिदायत का सितारा बना दिया है। लेकिन मौला ए कायनात, शेर खुदा, अलीउल मुर्तज़ा, हैदर कर्रार, फातह खैबर, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो इल्म मिला, वो ख़ज़ाना मिला। एक तो वो हदीस है ना कि हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, और एक तिर्मिज़ी में हदीस यूँ भी मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मैं हिकमत का घर हूँ, वहाँ शहर कहा यहाँ घर कहा। फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हिकमत और दानाई का घर है एक घर,
अली उसका दरवाज़ा है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के उलूम से जो हिस्सा हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने हासिल किया, सहाबा फरमाते 70 के करीब वसीयतें की हैं नबी पाक ने मौला अली शेर खुदा को, और वो ऐसी ख़ास बातें हैं जो सिर्फ मौला अली जानते हैं, उन्हीं का खासा है जो रसूल पाक ने उनके साथ फरमाई, वो उन्हीं का खासा है। आप इतनी बड़ी तादाद में इतिकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह का घर है, पाकीज़ा माहौल है, तज़किया और तस्फिया के दिन बीत रहे हैं, शब बेदारियाँ हैं, दुआएँ हैं। इमाम अबू नुऐम ने 5 बातें लिखी हैं जो हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने खुद फरमाया। हज़रत अली फरमाने लगे मेरी 5 बातें याद कर लो, और फरमाने लगे ऊँटों पर बैठकर तलाश करने निकलोगे तो ये बातें तुम्हें मिलेंगी कहीं भी नहीं, ले लो हमसे हासिल कर लो, ये फैज़ है। फरमाया ढूंढने निकलोगे ना ढूंढने तो तुम्हें ये मिलेंगी, ढूंढने से नहीं चीज़ें मिलेंगी। फरमाने लगे 5 बातें ले लो यार हज़रत शेर खुदा की 5 बातें, आज इसको सबक के तौर पर रट्टा लगा लो, इसे याद कर लो, दिल में बिठा लो, शेर खुदा की 5 बातें, इल्म व हिकमत का निचोड़, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लिया हुआ फैज़, वो हुजूर की उम्मत को बांटते हैं, अपने से मोहब्बत करने वालों को अता करते हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे 5 बातें ले लो, तुम ऊँटों पर बैठ के निकलोगे तो थक जाओगे लेकिन ये बातें तुम्हें कहीं न मिलेंगी। हज़रत अली बातें बयान करते हैं, फरमाते हैं पहली बात ये याद रखना, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए, जीत जाओगे दोस्तों दुनिया में अगर ये बात आ गई तो, बच जाओगे, दिल ठंडा रहेगा, बेकरारियाँ बेचैनियाँ परेशानियाँ जान छोड़ जाएंगी, उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखो। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं अपने गुनाहों से डरा करो। तुम गरीब होने से डरते हो, तुम तंगदस्ती से डरते हो, तुम लोगों की दुश्मनी से डरते हो, अपने गुनाहों से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नाफरमानियाँ रब की नाराज़गी का सबब बन जाए, अपने गुनाहों से डरो। और तीसरा मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना, पूछ लेना फ़ायदा होगा, किसी से बात कर लेना फ़ायदा होगा, किसी से सीख लेना नफ़ा हो जाएगा, किसी को मान लेना अपना उस्ताद, ज़िंदगी भर समझदार हो जाओगे, फैज़याब हो जाओगे। और हज़रत अली शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं ये उलमा के लिए, फरमाया अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए बल्कि कह दे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। ये बात याद रखें, जिस बात का पता ना हो, जिसकी खबर ना हो, जिस पर उबूर ना हो, उस बात को आगे बयान ना किया जाए और कभी भी गलत बात ना बताई जाए। हज़रत अली शेर खुदा हमें सबक देते हैं। और पांचवी बात हज़रत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, याद रखना ईमान में सब्र की वही हैसियत है जो जिस्म में सर की हैसियत है। अपनी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजारना, ज़िंदगी में कभी बेसब्रे ना होना, हौसला ना छोड़ जाना। सब्र बुजदली नहीं होता, सब्र तो अच्छी तदबीर को कहते हैं, सब्र तो रब करीम के फ़ैसले के इंतज़ार को कहते हैं, सब्र तो अल्लाह की मदद के नाजिल होने के इंतज़ार को कहते हैं। फरमाया जो तुम्हारे जिस्म में सर का मकाम है वही ईमान में सब्र का मकाम है। ये मौला अली शेर खुदा ने हमें 5 बातें दी।